dear students, today I am going to explain you your next topic of chapter 5, that is rectangular tool. हमने इसके दो टूल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम थर्ड टूल के बारे में पढ़ेंगे जो है रेक्टेंगल टूल. द रेक्टेंगल टूल आर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, क्रिएट्स परफेक्ट रेक्टेंगल्स. ये क्या करता है, परफेक्ट रेक्टेंगल्स यानी रेक्टेंगल बनाकर देता है. विच मीन्स दैट ऑल फोर साइड्स आर पैरेलल, जिसका मतलब क्या होता है, इसके चारों साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द शेप. कि क्या शेप है या क्या लेंथ है, शेप की क्या लेंथ है क्या विड्थ है, इस बात की वो चिंता नहीं करता. सिर्फ इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में ऑल फोर साइड्स आर पैरेलल, सारी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं. ड्रॉ रेक्टेंगल्स बाई क्लिकिंग टू प्लेस अ स्टार्टिंग कॉर्नर. आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. कैसे, क्लिक करना है कॉर्नर्स पर एंड देन ड्रैगिंग टुवार्ड द अपोजिट कॉर्नर ऑफ योर शेप. एक कोने से शुरू करके दूसरे कोने तक माउस के बटन को दबा कर रखना है, तब आपका शेप जितना आप चाहते हैं, जितना रेक्टेंगल का शेप आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टेप्स देखेंगे हम. टू सेलेक्ट द रेक्टेंगल प्राइमिटिव टूल, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन ऑन द रेक्टेंगल टूल. तो ये जो टूल आपके पास गिवन है, आपने क्या करना, माउस से इसके ऊपर बटन को दबा कर रखना है एंड उसके बाद सेलेक्ट रेक्टेंगल प्राइमिटिव टूल. जैसे ही आप इसके ऊपर दबा के रखोगे, ये आपके पास ऑप्शन में आ जाएगा, आपने इसको क्लिक करना है. टू क्रिएट अ प्राइमिटिव रेक्टेंगल, ड्रैग द रेक्टेंगल प्राइमिटिव टूल ऑन द स्टेज. आपने माउस के बटन से इसको दबा कर रखना है स्टेज पर और जितना बड़ा आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. नोट में पढ़ेंगे, टू चेंज द कॉर्नर रेडियस वाइल ड्रैगिंग विद द प्राइमिटिव रेक्टेंगल टूल, प्रेस द अप एरो की और डाउन एरो की. जब आप क्या करते हैं, प्राइमिटिव रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो अगर आपको इसकी रेडियस को कम या ज़्यादा करना है, इट मीन्स अगर आपको वो रेक्टेंगल को छोटा या बड़ा करना है, तो आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके कोने पर एक अप एरो की दिया होगा, ऊपर की तरफ एक एरो बन रखा होगा और एक एरो नीचे की तरफ बन रखा होगा. अगर ऊपर की तरफ एरो पे क्लिक करोगे तो साइज़ आपका इंक्रीज हो जाएगा रेक्टेंगल का, और डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो साइज़ डिक्रीज हो जाएगा. व्हेन द कॉर्नर अचीव द डिजायर्ड राउंडनेस, रिलीज द की. जैसे ही आपके जो रेक्टेंगल के कॉर्नर है, जो कॉर्नर आप घुमाना चाहते हो जाए, तो उसके बाद माउस के बटन को छोड़ देना है. पॉइंट नंबर 3 है आपके पास, विद द प्राइमिटिव रेक्टेंगल सेलेक्टेड ऑन द स्टेज, यू कैन यूज़ द कंट्रोल्स फाउंड इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर टू फर्दर मॉडिफाई द शेप. अगर आप प्राइमिटिव रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर चुके हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसके हिसाब से उस कंट्रोल में आप क्या कर सकते हो, शेप को मॉडिफाई कर सकते हो, शेप को फिल कर सकते हो और उसके अंदर कलर भी भर सकते हो. तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कंट्रोल्स स्पेसिफिक टू द रेक्टेंगल प्राइमिटिव टूल्स आर, कौन कौन से आपको इसके अंदर मिलते हैं, रेक्टेंगल, कॉर्नर रेडियस. कंट्रोल्स लेट यू स्पेसिफाई द कॉर्नर रेडियस फॉर द रेक्टेंगल. तो जो रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस कंट्रोल है, वो क्या करता है, आपको अलो करता है कि आप रेक्टेंगल के कोनों को मॉडिफाई कर सकते हो. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. लाइक आपने ये एक रेक्टेंगल बनाया, आप इस रेक्टेंगल के इस कोने को ऐसे शेप दे सकते हो कि कॉर्नर पे क्या हो जाए, शेप हो जाए. इट मीन्स आप रेक्टेंगल को इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है. तो कॉर्नर को रोटेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम रेक्टेंगल कॉर्नर रेडियस को यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 4 है, टू स्पेसिफाई डिफरेंट कॉर्नर रेडियस फॉर ईच कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, डी सेलेक्ट द लॉक आइकन लोकेटेड इन द प्राइमिटी रेक्टेंगल रेडियस कंट्रोल सेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर. अगर आपको इसे कॉर्नर के रेडियस के बारे में बताना है, तो बताने के लिए आपको सबसे पहले जो लॉक आइकन है उसको डीसेलेक्ट करना है. अगर वो सेलेक्ट होगा तो वो इट मीन्स वो लॉक है, अगर उसे डीसेलेक्ट कर दोगे तो वहाँ से लॉक हट जाएगा. पॉइंट नंबर 5 है, टू रीसेट द कॉर्नर रेडियस क्लिक द रीसेट बटन. अगर कॉर्नर के रेडियस को आप फिर से रीसेट करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर. अब हम देखेंगे ड्रॉ पॉलीगॉन्स एंड स्टार, किस तरीके से आप पॉलीगॉन और स्टार ड्रॉ कर सकते हो. द पॉलीगॉन स्टार टूल इज सो नेम्ड बिकॉज इट इज़ मल्टीपर्पज़. पॉली स्टार का नाम इसलिए है क्योंकि इसे मल्टीपर्पज़ टूल है, हम इस पर बहुत सारे काम को कर सकते हैं. दैट कैन मेक अ होल वेराइटी ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स एंड स्टार, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे पॉलीगॉन्स बना सकते हो, अलग अलग टाइप के स्टार्स भी बना सकते हो. देर इज़ नो शॉर्टकट की फॉर द पॉली स्टार टूल, इसके लिए आपके पास कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है.
टू पॉलिस द पॉलीस्टार टूल ड्रॉ पॉलीगॉन्स ऑफ स्टार। पॉलीगॉन स्टार टूल की हेल्प से हम पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है टू सेलेक्ट द पॉलीगॉन स्टार टूल फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉलीस्टार टूल को मेन्यू से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप है आफ्टर द, सबसे पहले पॉलीस्टार टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद माउस के बटन को क्लिक करके रखेंगे और होल्ड करके रखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको स्टेज पर लेकर आएंगे। सेलेक्ट विंडोज़ एंड प्रॉपर्टीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ एंड सेलेक्ट स्ट्रोक एंड फिल एट्रीब्यूट। विंडो के अंदर प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टीज़ एंड सेलेक्ट स्ट्रोक एंड फिल एट्रीब्यूट पर हम जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, वहाँ पर आप ये सारे काम को परफॉर्म कर सकते हैं। पहला है फोर स्टाइल सेलेक्ट पॉलीगॉन एंड स्टार। अगर आपको स्टाइल बनाना है कि आप पॉलीगॉन बनाना चाहते हो या स्टार बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्टाइल सेलेक्ट करना होगा। सेकंड है फोर नंबर ऑफ स्लाइड्स एंटर द नंबर्स बिटवीन 3 एंड 32। कितनी साइड चाहिए आपको पॉलीगॉन्स में या स्टार्स में, तो उसके हिसाब से आपको साइड एंटर करनी है। 3 और 32 के बीच में आपने यहाँ पे नंबर फिल करना है। फोर स्टार पॉइंट साइज एंटर द नंबर बिटवीन 0 एंड 1 टू स्पेसिफाई द डेप्थ ऑफ द स्टार पॉइंट। अगर आप स्टार ड्रॉ करने चाह रहे हैं, स्टार का साइज बताना चाहते हो, तो 0 और 1 के बीच में आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी। क्लिक ओके, ड्रैग ऑन द स्टेज। ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद माउस को स्टेज पर लेकर आएंगे और आप इस तरीके से स्टार या पॉलीगॉन को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कि किस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉइंग विद द लाइन टूल एन, यहाँ पर लाइन टूल एन डिफाइन करेंगे। इनेबल यू टू क्रिएट अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन दैट एक्सटेंड फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। तो जो ड्राइंग टूल है वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है कि आप एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर एंड पॉइंट तक जाएगी। सिंपली बाय क्लिकिंग द स्टार्ट पोजीशन एंड ड्रैगिंग टू द एंड पोजीशन बिफोर रिलीजिंग द माउस। आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। आपने माउस के बटन को दबा के रखना है, माउस के बटन को दबा कर रखो, सीधी लाइन ड्रॉ करो और छोड़ दो। यहाँ तो मेरी लाइन टेढ़ी होगी, लेकिन आपने क्या करना है, माउस के बटन को दबा कर रखना है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और माउस के बटन को छोड़ दोगे तो लाइन वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। ओके, आगे हम देखेंगे यू कैन सेलेक्ट वेरियस लाइन स्टाइल एंड स्ट्रोक हाइट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल। आप लाइन के भी बहुत सारे स्टाइल और उसके स्ट्रोक हाइट को सेलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी पैनल से, एज वेल एज सेट द कलर, और उसके कलर को भी सेट कर सकते हो। तो लाइन को ड्रॉ करने के स्टेप देखेंगे। सेलेक्ट द लाइन टूल, ये जो टेढ़ी लाइन दे रखी है लाइन टूल है, इसको सेलेक्ट करेंगे। विंडो में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रॉपर्टीज एंड सेलेक्ट स्ट्रोक एट्रीब्यूट पर जाएंगे। नोट पढ़ लेते हैं, यू कैन नॉट सेट फिल एट्रीब्यूट फॉर द लाइन टूल। हम लाइन टूल के लिए फिल एट्रीब्यूट को सेट नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन है, लाइन के अंदर क्या फिल करेंगे, कुछ भी नहीं, इसलिए हम इसको सेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है क्लिक द ऑब्जेक्ट ड्राइंग बटन। हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग बटन इस पर ऑप्शन सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे टू सेलेक्ट आइदर मर्ज और ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, कि आप मर्ज लेना चाहते हो या ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को लेना चाहते हैं। पोजिशन द पॉइंटर वेयर द लाइन इज टू बी बिगिन, माउस को वहाँ लेकर जाओ जहाँ से लाइन शुरू होने लाइक यहाँ लेके जाएंगे। एंड ड्रैग टू वेयर द लाइन इज टू बी एंड, और माउस के बटन को दबा कर रखेंगे और एंड तक लेकर जाएंगे इस तरीके से। टू कंसंट्रेट द एंगल ऑफ द लाइन टू मल्टीप्लाइज ऑफ 45 डिग्री शिफ्ट ड्रैग, अगर लाइन को आप टेढ़ा करना चाहते हो तो शिफ्ट ड्रैग पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, रेक्टेंगल टूल और लाइन टूल कैसे यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इन अडोब।